Hi guys, welcome to EduTap. So if I talk about SEBI Grade A examination, तो बहुत सारे ऐसे aspirants हैं जो हमारे पास regularly call करते हैं for knowing about the SEBI Grade A examination. So if you want to prepare for this examination और आपको अगर idea नहीं है इस examination के बारे में, so this session will definitely going to help you. In this session, we will discuss different dimensions like eligibility of this examination, pattern of this examination, syllabus of this examination and also the previous year cutoffs. ठीक है? तो guys, अगर आपको ये सारी चीजें पता हैं, तो ये video आपको refer करने की ज़रूरत नहीं है. You can skip this video, but if you want to know about these dimensions, then this video will definitely be helpful. But before proceeding, one very very important disclaimer, if you are waiting for any kind of notification update, so guys, I might disappoint you because we do not have any update with respect to the notification that you might have seen in the thumbnail also, and you can see here also that we do not have any notification update, so I'm not going to provide any notification update here, right? Chaliye friends, start karte hain. सो गाइज, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं, उनमें से कुछ थ्री इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके पास होना चाहिए, दैट इज PYQ, दैट इज सिलेबस एंड दैट इज सोर्सेज. ठीक है, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन, बी इट SEBI, बी इट RBI, बी इट UPSC, कोई भी एग्जामिनेशन, राइट? सो दैट इज वाई गाइज हमने EduTap में ये गाइड बुक लॉन्च की है. हियर यू कैन सी दिस गाइड बुक विच कंटेन्स ऑल दीज थ्री थिंग्स. ठीक है, इसमें PYQs भी मिलेंगे, इसमें आपको सोर्सेज भी मिल जाएंगे, कौन से सोर्सेज आपको रेफर करने हैं, एंड ऑल्सो द सिलेबस यू विल गेट इन दिस गाइड बुक. तो आपको इस गाइड बुक को डाउनलोड करना है और इसको रेगुलरली रेफर करना है. ठीक है, डाउनलोड करके हमें अपने टेबल पे नहीं रखना है, रादर हमें इसे रेगुलरली रेफर करना है ताकि इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके, राइट गाइज? Now the question is, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? So you can download it from the link given in the description box below. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस एलिजिबिलिटी से. बट स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैंने SEBI की प्रिपरेशन की है, राइट? तो अगर वो SEBI ग्रेड के नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है या एग्जाम नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या मेरी प्रिपरेशन वेस्ट हो चुकी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स. आई टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आपने SEBI की प्रिपरेशन लास्ट ईयर की थी, राइट, तो उस केस में SEBI का नोटिफिकेशन नहीं आया, नो डाउट, बट PFRDA का नोटिफिकेशन आया, NPS का नोटिफिकेशन आया, अभी रिसेंटली IFSCA का एग्जाम हुआ, राइट, उसका नोटिफिकेशन आया. तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट हो रही है, वो आप इन सारे एग्जामिनेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं. और इनका जो पैटर्न है, इनका जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, वो एग्जैक्टली सेम है एज SEBI में है, राइट? तो कहने का यही मतलब है कि जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं होगी. अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर्ड है तो दूसरे एग्जाम भी आप दे सकते हैं, राइट? तो आई होप यू आर गेटिंग इट. नाउ गाइस, लेट्स डिस्कस द एलिजिबिलिटी फॉर SEBI ग्रेड ए एग्जामिनेशन. ठीक है, आप बहुत सारे डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स के मन में, क्या मैं एलिजिबल हूं इस एग्जाम के लिए या नहीं, सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट. सो नंबर फर्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर SEBI ग्रेड ए एग्जामिनेशन, सो हियर यू कैन सी You must have master degree in any discipline. ठीक है, किसी भी discipline में अगर आपके पास master degree है, then in that case you are eligible for this examination, right? Then bachelor's degree in law, right? अगर आपके पास master degree नहीं भी है, law में bachelor degree है, जिसको हम LLB भी बोलते हैं, अगर आपके पास वो भी है, so ये भी आपके लिए helpful रहेगा. Then bachelor degree in engineering, ठीक है, अगर आपके पास BTech या BE की भी अगर आपके पास degree है, तो उस case में भी आप eligible रहेंगे यहाँ पर इस exam के लिए apply करने के लिए, right? और या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है, या आप CFA हैं, या आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, या आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, तो इस केस में भी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट? अब कुछ एक बहुत ही कॉमन डाउट्स होते हैं एस्पिरेंट्स की विद रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी, दैट इज कि अगर मेरे पास यहां पर मास्टर डिग्री नहीं है, तब मेरे पास कोई डिप्लोमा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? सो यहां पे एक नोट लिखा हुआ है गाइस, यू कैन सी हियर दैट अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल बी एक्सेप्टेबल एज एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर जनरल स्ट्रीम. ठीक है, तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है किसी भी स्ट्रीम में, तो उस केस में, किसी भी डिसिप्लिन में, तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाएंगे जनरल स्ट्रीम से अप्लाई करने के लिए. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है. और जो भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस, हम वो लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है, वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे गेदर की हुई है, एंड दैट वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. नेक्स्ट इज
बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं, हम फाइनल ईयर के एग्जाम ने दिया हुआ है, रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए? सो अगेन वन नोट इज एडेड हियर व्हिच यू कैन सी दैट कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री. ठीक है, मतलब अब सारे ही फेजेस में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है कि अगर आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया हुआ है और आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर all the phases, that is phase 1, phase 2 and also for the interview. But yahan pe ek condition kya hai, the offer to join SEBI to the selected candidate shall be subject to production of necessary documents evidencing successfully obtaining the requisite qualification. Theek hai, jab bhi aapko SEBI join karna hoga, रिजल्ट आ गया, अगर आपको ज्वाइन करना, आपका सिलेक्शन हो गया, सेबी आप ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम पर आपके पास जो भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए. एंड व्हाट इज द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन? दिस इज द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, राइट? मास्टर डिग्री होना चाहिए या तो, या बीटेक हो, या बी अगर बैचलर इन लॉ हो, या सीए है, सीएफए है, सीएस है, सीडब्ल्यूए है. तो अगर आपके पास ये है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेबी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उस टाइम पर, राइट? आई होप यू आर गेटिंग इट. देन सो दिस वॉज अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अब हम बात करें एज वाइज क्वालिफिकेशन की, तो कब आपकी एज लिमिट क्या है? तो इसमें जनरली जो एज लिमिट होती है वो 30 ईयर्स की होती है, राइट? 30 ईयर्स की एज लिमिट होती है. अब वो कट ऑफ डेट क्या होती है 30 ईयर्स की? सो कट ऑफ डेट हर बार चेंज होती है गाइस नोटिफिकेशन में, और वो नोटिफिकेशन में ही मेंशन की जाती है, राइट? तो अगर आपको नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो वहां पे एक कट ऑफ डेट दी होती कि इस कट ऑफ डेट से आपकी जो एज है वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? तो उस डेट पर 30 ईयर से उससे कम होनी चाहिए, देन इन दैट केस यू आर एलिजिबल, राइट? अगर हम बात करें यहाँ पे एससी एसटी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 5 इयर्स की एग्जम्पशन है, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स की तो उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया हुआ है. सो आई होप यू आर गेटिंग इट. तो अगर आप यहाँ पे एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो आपकी एज लिमिट 35 इयर्स हो जाएगी. अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज लिमिट 33 इयर्स हो जाएगी, राइट? बट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपकी एज 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन द कट ऑफ डेट, राइट? चलिए मूव करते हैं गाइस. नंबर सेकंड इज पैटर्न. सो इफ आई टॉक अबाउट पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, किस तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न है, फेज वन, फेज टू और इंटरव्यू, तो वो हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, विच इज वेरी क्रूशियल एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी, राइट? बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ऐसा डाउट भी होता है कि क्योंकि हम बहुत ही वीक है क्वांट में या रीजनिंग में, ठीक है, तो क्या मेरे लिए कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ? क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट कई बार हमारे मन में डाउट आता है, राइट? कई बार आप आर्ट्स से होते हैं, आप कॉमर्स से होते हैं, तो आपके मन में डाउट आता है कि क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग हमने 10th में लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ी ही नहीं चीजें, राइट? तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका जो पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है, वो हम देखते हैं अभी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या मेंशन है, दैट इट शैल बी अ 3-स्टेज प्रोसेस, दैट इज फेज वन, ठीक है, 2 papers 100 मार्क्स ईच, फेज टू अगेन 2 papers 100 मार्क्स ईच, एंड फेज थ्री इंटरव्यू, राइट? अब इसको हम सेग्रीगेट करके देखते हैं गाइस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ आई टॉक अबाउट फेज वन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो फेज वन में यहाँ पे डेट मेंशन है लास्ट ईयर की, जब लास्ट ईयर एग्जाम होना था, राइट? वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. रदर यहाँ पे फेज वन की अगर हम बात करें तो फेज वन जो है वो डिवाइडेड है 2 different papers में, पेपर वन एंड पेपर टू, राइट? पेपर वन एंड पेपर टू में है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर वन की, तो पेपर वन में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, दैट इज जीए, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है? ये चार कंपोनेंट्स हैं पेपर वन ऑफ फेज वन के, ठीक है? तो ये चार कंपोनेंट्स हैं, इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100 marks का पेपर होता है, राइट? 100 marks का पेपर होता है. यहाँ पे 80 questions प्रोवाइड किए जाते हैं, 20 questions पर कॉम्पोनेंट, दैट इज 20 questions क्वांट के, 20 questions रीजनिंग के, 20 questions इंग्लिश के, और 20 questions जनरल अवेयरनेस के, जिनका जो टोटल मार्क्स होता है वो 100 marks का होता है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होता है वो 60 minutes होता है, राइट? मतलब आपको 60 minutes में आपको 80 questions सॉल्व करने होते हैं पेपर वन में. बट यहाँ पे जो कट ऑफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 30% है. वॉट डू दिस मीन कि यहाँ पे कट ऑफ 30% है, दैट इज आउट ऑफ 100 यू जस्ट हैव टू स्कोर 30 marks. If you are able to score 30 marks, तो आपका paper 1 तो qualify हो गया, right? तो यहाँ पे कोई sectional cutoff भी नहीं है, आपको individual cutoff भी नहीं score करना है. अगर आप English में बहुत अच्छे हैं, तो आप पूरे 25 marks जो है वो English में लेकर आ सकते हैं. फिर आपको 5 marks हैं जो 3 other components से लाने होंगे. I hope आप समझ रहे हैं logic क्या है, कि यहाँ पे कोई sectional cutoff नहीं है, और यहाँ पे
जो ओवरऑल कट ऑफ है वो भी डिसाइड कर दिया गया कि अगर आपके 30% मार्क्स हैं तो आप पेपर वन आपने क्वालिफाई कर लिया, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने क्वांट में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, आपने रीजनिंग में एक भी नहीं किया, आपने जीए और इंग्लिश का ही मिलाकर 30 मार्क्स स्कोर कर लिया, डजंट मैटर, राइट, आप एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आप पेपर वन आपने क्वालिफाई कर लिया है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट पेपर टू, सो पेपर टू में गाइज इफ आई टॉक अबाउट जनरल स्ट्रीम, तो यहां पर यू कैन सी यहां पर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट होते हैं हमारे गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में से ही पेपर टू पूछा जाता है। सिलेबस जो है पेपर टू का दैट इज सेम फॉर बोथ फेज वन एज वेल एज फेज टू, ठीक है। तो फेज वन का पेपर टू होता है वो भी ये इन सब्जेक्ट्स का होता है, और फेज टू का जो पेपर टू होता है वो भी इन्हीं सब्जेक्ट्स का होता है, राइट। तो सिलेबस दोनों ही फेज के लिए सेम होते हैं पेपर टू के रिगार्डिंग। तो यहां पर जो ये सब्जेक्ट्स हैं गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं यहां पे, 100 मार्क्स, ठीक है। अगेन इसको भी 100 मार्क्स यहां पे असाइन किया गया है, बट यहां पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 40 मिनट्स का, राइट, 40 मिनट्स का यहां पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, और एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, राइट। तो कहने का मतलब है कि आपको 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ, सो कट ऑफ इज 40%, सो 40% इज द कट ऑफ फॉर पेपर टू, राइट। सो इफ यू हैव स्कोर्ड 30% मार्क्स इन पेपर वन एंड इफ यू हैव स्कोर्ड 40% मार्क्स इन पेपर टू, देन यू आर एलिजिबल टू अपियर फॉर फेज टू ऑफ द एग्जामिनेशन। बट यहां पे एक और कंडीशन है, दैट एग्रीगेट कट ऑफ जो है वो आपका 40% होना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब इसका कि एग्रीगेट कट ऑफ आपका 40% होना चाहिए, सो हियर यू कैन सी कि आपको यहां पे पता है कि अगर हम बात करें फेज वन की, राइट, तो फेज वन 200 मार्क्स का होता है, राइट, 100 मार्क्स का पेपर वन, 100 मार्क्स का पेपर टू, राइट। अब यहां पे उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आपने पेपर वन में 30 मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है, 30% 100 का 30% मतलब 30 मार्क्स, तो आपने अगर 30 मार्क्स यहां पे स्कोर कर लिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर वन। पेपर टू में अगर आपने 100 में से 40% मतलब 40 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर टू, राइट। इसका मतलब क्या है, मैंने दोनों ही पेपर का इंडिविजुअल जो कट ऑफ है यहां पे वो मैंने क्लियर कर लिया, तो क्या मैं यहां पे एलिजिबल हूं, तो इन दोनों का जो टोटल होता है वो 40+30 70 मार्क्स होता है, राइट। तो यहां पे अगर आप 70 आउट ऑफ 200 लेकर आ रहे हैं सो आप यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे फेज टू के लिए, मतलब आपने फेज वन क्वालिफाई नहीं किया। यहां पे भी इंटीग्रेटेड कट ऑफ जो है वो पेपर वन पेपर टू का कितना होना चाहिए, 40% का, मतलब 200 का आपको एटलीस्ट 80 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे आउट ऑफ 200 इफ यू वांट टू अपियर फॉर फेज टू ऑफ द एग्जामिनेशन। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो यहां पे अगर फेज टू में अपियर होना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 80 मार्क्स स्कोर करना होगा आउट ऑफ 200, एंड कहां से हमने कैलकुलेशन की, 40%, ठीक है। तो पेपर वन और पेपर टू का जो एग्रीगेट कट ऑफ है वो 40% होना चाहिए एटलीस्ट आपका, और इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपके क्लियर होने चाहिए, राइट गाइस। नाउ सो यहां पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लाइक देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन फॉर द पेपर वन एंड पेपर टू इन फेज वन, ठीक है। तो यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है गाइज यहां पे, ठीक है। तो अगर यहां पे आपने 4 क्वेश्चन यहां पे आपने रॉन्ग कर दिए तो आपका 1 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली यहां पे उसके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सो दिस इज द 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। देयर शैल बी अ कट ऑफ ऑफ मिनिमम 30% फॉर पेपर वन, ठीक है, एंड नो सेक्शनल कट ऑफ शैल बी देयर, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं नो सेक्शनल कट ऑफ है, एंड कट ऑफ ऑफ मिनिमम 40% फॉर पेपर टू इन फेज वन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। देन यहां पे भी वही चीज डिस्कस की हुई है कि यहां पे जो भी कैंडिडेट्स जो कट ऑफ यहां पे अगर एग्रीगेट कट ऑफ उन्होंने क्लियर कर लिया तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसने किसने वहां पे 40% मार्क्स स्कोर किया है, सबके सारे के सारे एस्पिरेंट जो है वो फेज टू में अपियर हो रहे होंगे, राइट। तो यहां पे जो फेज वन को क्लियर करने के लिए जो मेरिट तैयार होती है उसके लिए कोई मेरिट नहीं रहती, राइट। उसके लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया ही 40% का होता है। तो अगर आपने 40% यहां पे स्कोर कर लिया तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कितने एस्पिरेंट्स अपियर हो रहे हैं फेज टू के लिए, यू विल बी एलिजिबल टू अपियर फॉर फेज टू ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट गाइस। देन यहां पे देखिए, सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया मेंशन एट थर्ड अबव ऑल द कैंडिडेट्स हु क्लियर फेज वन शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज टू, ठीक है। तो सारे के सारे कैंडिडेट जिन्होंने 40% इंटीग्रेटेड मार्क्स यहां पे पेपर वन में और पेपर टू में मिलाकर स्कोर कर लिया है, दे विल बी एलिजिबल फॉर फेज टू, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। दिस वॉज अबाउट द फेज वन। इफ आई टॉक अबाउट फेज टू, तो फेज टू में भी यहां पे अगेन 2 पेपर होते हैं गाइस, पेपर वन एंड पेपर टू, हियर यू कैन सी, राइट। यहां पे जो पेपर वन होता है, पेपर वन इज अबाउट द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर वन होता है यहां पे फेज टू में, और अगेन मैक्सिमम मार्क्स इज
assigned 100 marks and duration is 60 minutes and the cut off is 30%. ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ रखा जरूर गया है गाइस, बट यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है. आई विल लेट यू नो, राइट. बट यहाँ पे कैटेगरी और वेटेज की कैटेगरी एड कर दी गई कि यहाँ पे इसका जो वेटेज, इसके जो मार्क्स एड किए जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ मेरिट, दैट विल बी 1/3. तो इसका वेटेज जो है वो पेपर वन का 1/3 रहेगा. इफ आई टॉक अबाउट पेपर टू, सो पेपर टू इज सेम. ठीक है, सारे सब्जेक्ट सेम है, दैट वी हैव डिस्कस फॉर पेपर टू ऑफ फेज वन. तो सिमिलरली सिलेबस भी सेम रहेगा और सब्जेक्ट्स भी सेम रहेंगे पेपर टू में. तो अगेन यहाँ पे देख सकते हैं 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 40 मिनट्स रहेगा. अगेन 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, और आपको 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे. कट ऑफ विल बी 40% इंडिविजुअल कट ऑफ फॉर दिस पेपर एंड द वेटेज इज 2/3. ठीक है, 2/3 इसका वेटेज रहने वाला है. तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगेन यहां पे कट ऑफ 2 दिया गया है, बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपने मिनिमम कट ऑफ यहां पे स्कोर कर लिया तो आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो जाएंगे, राइट. वो नहीं है, वो यहां पे क्राइटेरिया अब यहां पे नहीं रह गया. 2 यहां पे लिखा है कि आपका यहां पे मिनिमम जो इंटीग्रेटेड कट ऑफ वो 50% होना चाहिए. अब इसमें जो लोग भी 50% कट ऑफ लेकर आएंगे उनमें से मेरिट तैयार होगी, तो उनमें से जो जितनी भी वैकेंसीज रहेंगी तो उसके नंबर ऑफ टाइम 3 times जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें कॉल कर लिया जाएगा, राइट. तो यहां पर अगर आप 50% भी ला रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा. आपको उन कैंडिडेट्स में आना होगा जो कि 3 times ऑफ द वैकेंसी होंगे. ठीक है, अगर आपके मार्क्स उतने हैं तभी आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, अदरवाइज इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, राइट. तो आई होप यू आर गेटिंग इट कि यहाँ पे अगर आपने 100 में से 50 मार्क्स आपने इंग्लिश में स्कोर कर लिए तो इसका 1/3 ही काउंट होगा, क्योंकि इसका वेटेज 1/3 है. और यहाँ पे अगर आपने 100 में से 50 मार्क्स स्कोर कर लिए तो इसका 2/3 काउंट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका वेटेज जो है वो 2/3 है. तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है फेज 2 में मार्क्स का, राइट. इसके बाद आता है गाइस हमारा फेज 3, बट फेज 2 के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग. अगेन सेम ही है गाइस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, राइट. कट ऑफ अगेन 30% पेपर वन के लिए, कट ऑफ 40% पेपर टू के लिए. वो किस लिए कि अगर आपके 30% से कम मार्क्स हैं पेपर वन में तो फिर आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, राइट. तो अगर आपको चाहते कि आपको इंटरव्यू के लिए आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएं तो उस केस में आपको एटलीस्ट 30% यहां लाना पड़ेगा और एटलीस्ट 40% पेपर टू में लाना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स. यहाँ पे अगेन वो एग्रीगेट कट ऑफ 50% वाला क्राइटेरिया दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया कैंडिडेट्स इक्वलिंग 3 times ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने 50% वाला कट ऑफ क्लियर भी कर लिया इंटीग्रेटेड कट ऑफ, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ गारंटी कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा. क्यों? क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो 3 times ऑफ द कैंडिडेट, जो भी वैकेंसीज होंगी उसमें जो कैंडिडेट्स फॉल हो रहे होंगे उसमें आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, अदरवाइज इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, राइट. सो दिस वॉज अबाउट द फेज 2. अब इफ आई टॉक अबाउट फेज 3 which is interview, so here you can see only the shortlisted candidates will be called for interview. ठीक है, जो भी candidate shortlist होंगे बस उन्हें ही interview के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत important चीज़ है guys कि जब वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 2 विल बी 85%. ठीक है, इसीलिए आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको स्टार्टिंग से ही फेज 2 के लिए प्रिपरेशन करनी है, राइट. फेज 1 के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 तो आपको फेज 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा थोड़े से एफर्ट के साथ, राइट. तो यहां पे क्योंकि जो इसका वेटेज है वो फाइनल मेरिट में भी 85% वेटेज है, तो आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे फेज 2 में उतने ज्यादा चांसेस बनेंगे आपके सिलेक्शन के, राइट. तो यहां पे हम बात करें अगर फाइनल सिलेक्शन की, तो फाइनल सिलेक्शन में यहाँ पे 85% वेटेज जो है गाइज वो किसका रहेगा? फेज 2 का. और यहाँ पे इंटरव्यू में जो भी मार्क्स आएंगे उसका 15% वेटेज रहेगा. इस तरीके से ही मार्क्स क्लब करके यहाँ पे जो है मेरिट तैयार की जाएगी, राइट. सो दिस इज द ओवरऑल पैटर्न ऑफ सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन. देन गाइज इफ आई टॉक अबाउट सिलेबस, राइट. सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस देखने में काफी बड़ा है बट बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है. टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड है, सो दैट आपके लिए इजी हो जाता है कि आप हर टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें. और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, एक्सेप्ट कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं कई बार, बट मोस्टली जो है 90% जो पेपर होता है, मोर देन 90% पेपर वो सिलेबस को ही स्टिक करता है, राइट. सो यू कैन सी इन द सिलेबस दैट इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज वन सब्जेक्ट जहां पर ये सारे टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर, राइट. देन मैनेजमेंट जहां पर ये सारे टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर. देन हम बात करें यहाँ पे फाइनेंस, जहां पर ये फाइनेंस रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स दिए, फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, जनरल टॉपिक्स भी दिए हुए, राइट. सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू फाइनेंस. देन इफ आई टॉक अबाउट कॉस्टिंग, सो कॉस्टिंग से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर. देन उसके बाद कंपनीज एक्ट, जो कि बहुत बड़ा एक्ट है अपने आप में, बट यहाँ पे पूरा कंपनीज एक्ट यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर, राइट. रादर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, विच इज स्पेसिफिकली मेंशन, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, लाइक चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 12 एंड
27 बस ये चैप्टर ही आपको पढ़ने कंपनीज एक्ट में, और पेपर इसका काफी इजी रहता है, सीधा फैक्चुअल चीजें यहां से पूछी जाती है। सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द फैक्चुअल थिंग देन यू कैन आंसर इन द एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू कैन लीव दैट क्वेश्चन राइट। तो यहां पे कंपनीज एक्ट एक काफी ही इजी कंपोनेंट है इस एग्जाम का। देन इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, सो इकोनॉमिक्स अगेन यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी गाइस। तो यहां पे जो जनरली हम किसी भी प्रिपरेशन में हम पढ़ते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं राइट। बट यहां पे ये स्पेसिफिक है, यहां पे डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, ठीक है, ISLM, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व राइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा टेक्निकल भी है। तो यहां पे अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं तो यहां पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत रहेगी आपको। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, बी वाला पार्ट तो थोड़ा सा इजी होता है, जनरली हमने पढ़ा भी होता है, हम समझ भी जाते हैं राइट। तो ये सारा का सारा सिलेबस है गाइस, फेज टू का, फेज वन और फेज टू का, पेपर टू का राइट। पेपर वन का अगर हम बात करें फेज वन का, तो वहां पे सिलेबस कुछ डिफाइन नहीं है, कौन रीजनिंग इंग्लिश का, जीए जीए का सिलेबस कुछ ऐसा वेल डिफाइंड नहीं है राइट। तो वहां पे कुछ मेंशन नहीं है, यहां पे आप देख सकते हैं पेपर वन ऑफ फेज टू, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पेपर, उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, दैट द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इंक्लूडिंग प्रेसी एसे एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो यही तीन क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, दैट इज एसे, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो बस इतना ही मेंशन है यहां पर गाइस, इसके रिगार्डिंग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सब बात का डिस्कशन राइट। बट इस सिलेबस में ये सारी चीजें ही यहां पे मेंशन की गई हैं। बट गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, जनरली ये सिलेबस देख के हमें लगता है कि जिस भी टॉपिक में, जिस भी कंपोनेंट में हम स्ट्रांग है, सो वी शुड प्रिपेयर दैट, और जिसमें हम वीक है, लाइक फॉर इकोनॉमिक्स में जनरली हम वीक होते हैं राइट, सो वी थिंक कि हमें इसे लीव कर देना चाहिए। बट वो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 50 क्वेश्चंस आते हैं आपके बोथ फेज वन और फेज टू पेपर टू में, तो वो लगभग इक्वली डिवाइडेड होते हैं इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं इक्वली डिवाइड करके पूछे जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक मत करिएगा, डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक कि कोई भी कंपोनेंट छोड़ के जा रहे हैं राइट। कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, सारे कंपोनेंट को यू हैव टू कवर राइट फ्रेंड्स। नाउ सो लास्ट कैटेगरी इज द कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। कट ऑफ देख के हमें आइडिया लग जाता है बेसिकली कि हमें हमारा एक टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, अगर हम सिलेक्शन चाहते हैं, इफ आई वांट टू बिकम अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, सो व्हाट शुड बी माय टारगेट स्कोर, ये देखकर हमें पता चल जाता है। तो कट ऑफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सो इफ आई टॉक अबाउट कट ऑफ, ठीक है, प्रीवियस टू ईयर के कट ऑफ हम डिस्कस करें, तो यहां पे देख सकते हैं 2022 के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो मार्क्स था वो 64.82 था लगभग आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये कट ऑफ गया था 64.82 इन 2022 एग्जामिनेशन, वेयर एज 2020 एग्जामिनेशन की बात करें सो कट ऑफ वाज 69.24, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ अगर 70 के समथिंग है, 70 प्लस है, सो आपका सिलेक्शन पक्का है फिर राइट। तो यहां पे आपका जो टारगेट है वो आपका टारगेट एटलीस्ट 75 का होना चाहिए, टू बी ऑन सेफर साइड आपका टारगेट 75 का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने 75 स्कोर कर लिया तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज अबाउट द कट ऑफ, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए सेशन कुछ वैल्यू एडिशन था। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं सेबी की, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से अच्छी मिली जो कि आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।